हेलो फ्रेंड्स, फूडीज एंड गुडीज फैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं स्टॉल और उसके साथ कैप बनाऊंगी। ये सेट होगा, एक जैसे पैटर्न में होगा। तो सबसे पहले मैं स्टॉल के लिए स्टिचेस डालूंगी। मैं सिंगल धागे वाले स्टिचेस डाल रही हूँ। मैं 75 स्टिचेस डालूंगी। आप अपनी चॉइस की भी स्टिचेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाले वैसे भी डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैंने एक सीधा बुनना है, फिर नेक्स्ट उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, इस तरह से बुनती जाऊंगी और लास्ट में फिर सीधा ही होगा। तो इसी पैटर्न को बार बार दोहराते हुए हम अपनी लेंथ जितनी हमें चाहिए उतनी हम बना सकते हैं। 60 से 80 इंचेस के बीच में जितना भी आपको लगता है कि आपको की ज़रूरत इतनी है तो उतनी ही आप डालें, उतना ही आप बुनें। तो इस तरह से बुनते हुए मैं इसकी लेंथ बना लूँगी। ये मेरी 65 है लेंथ, और इसी को रिपीट करते रहना है। तो जैसे लेंथ हमारी पूरी बन जाएगी और तब हम इसके ऊपर लगाने के लिए पॉम पॉम तैयार करेंगे। तो मैंने 14 पॉम पॉम्स तैयार करने हैं, क्योंकि हर साइड में, दोनों साइड में मैं 7-7 पॉम पॉम्स लगाऊंगी। तो मैंने 4 के ऊपर इसको लपेटा है, 50 टाइम्स लपेटा है, और फिर बीच में नॉट, अच्छे से टाइटली नॉट लगाकर फिर मैं इसको कैंची से साइड से काट दूँगी। साइड से काटने के बाद फिर हम इसकी शेविंग करेंगे और इसको राउंड शेप देंगे। तो ये हमारे पॉम पॉम्स जो हैं उनकी शेविंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम 14 पॉम पॉम्स तैयार करके अपने स्टॉल के ऊपर लगाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने ग्रीन कलर का जो स्टॉल बनाया है उसके बीच बीच में रेड कलर आ रहा है, इसलिए मैंने रेड कलर के पॉम्पॉम बनाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये पॉम्पॉम बनाकर मैंने अटैच कर दिए हैं। तो ये हमारा स्टॉल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसी का जो कैप बनाऊंगी, अब इसकी कैप के लिए मैं सबसे पहले स्टिचेस डालूंगी। तो मैंने कैप के लिए 65 स्टिचेस डाले हैं, और पहली 6 सिलाई जो है वो मैं सीधी सीधी बनाऊंगी बॉर्डर के लिए। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर जब तैयार हो जाएगा तो वही वाला पैटर्न जो हमने स्टॉल में डाला है उसी को इसी में, इसमें भी डालना है। और ये डालकर मैंने 8 इंच इसकी लेंथ रेडी कर ली है। अब मैं इसके लिए उल्टी सिलाई से मैं 3-3 फंदों का एक एक फंदा करती जाऊंगी। आप चाहें तो आप सीधी सिलाई में भी फंदे 3 के कर सकते हैं, पर मैं को उल्टी सिलाई में ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैं उल्टी में कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा स्टॉल और कैप का सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और आप बनाने का ट्राई करें, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हाथ से बने हुए चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। तो ये मैं 3-3 का एक एक फंदा करती जा रही हूँ। अब मैं सारे फंदों को एक राउंड वाली सिलाई के ऊपर डाल लूँगी ताकि वो इजी हो जाएगा उनको एक नीडल के ऊपर उतारना।
तो उसके ऊपर उतारने के बाद मैंने निडल में धागा डाल लिया है और ये सारे फंदे जो हैं वो निडल पे डाल रही हूँ। निडल के ऊपर से बांधने के बाद फिर मैं अब इनको टाइटली नॉट लगा दूंगी ताकि ये सारे फंदे इकट्ठे हो जाएं। और फिर मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। अब तो दोनों की सिलाई मैंने दोनों तरफ से एक एक स्टिच उठाती जा रही हूँ, इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से सिलाई करने से ये इस पैटर्न में पता नहीं चलता कि ये सिलाई हुई है। फ्रेंड्स, आप भी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ये कैसा बना है। और आई एम श्योर कि ये बहुत इजी है और आप बहुत आसानी से इसको बना सकेंगे। तो ये हमारी सिलाई हो रही है। सिलाई हो गई। इसको मैं यहाँ पक्का करने के बाद अब ये इस तरह से दिखेगी। अब मैं जैसे स्टॉल के ऊपर पॉम्पम्स लगाए हैं, इसके लिए भी एक पिक वाला पॉम्पम बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक की डिब्बी ले ली है, तो अब इससे बड़ा पॉम्पम बनेगा। तो इसके ऊपर मैं वूल लपेटती जा रही हूँ और वूल मैंने 200 टाइम्स लपेटी है। तो अब इसको उतार कर मैं बीच में से टाइट सी नॉट लगा दूंगी। नॉट का टाइट होना बहुत ज़रूरी है ताकि पॉम्पॉम फिर खुलेगा नहीं। तो अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी पहले, और कटिंग करने के बाद फिर मैं इसकी शेविंग करूंगी। जैसे पहले पॉम्पॉम्स में किया है वैसे ही करना है, बस ये है कि ये बड़ा है, वो छोटे थे पॉम्पॉम्स। तो ये ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन इतना सुंदर लगता है फ्रेंड्स, देखने में ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये हमारी शेविंग हो रही है। ये हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। और अब मैं इसको कैप के ऊपर लगा दूंगी। धागे से पहले मैं नॉट लगा लूंगी ताकि ये टाइट से बंधा रहे, निकले नहीं जल्दी। और इसको लगाने के बाद अच्छे से इसको फिर मैं पक्का कर दूंगी। अब ये काफ़ी हमारा पक्का हो चुका है। बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।